हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल आर किचन ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे काले चने और आलू की सब्जी। तो चलिए फटाफट से रेसिपी शुरू करते हैं। ये मैंने काले चने रात को भिगो कर रखे थे और इन्हें उबाल लिया है। दो से तीन आलू भी उबाल कर रख लिए, इन्हें मैशर से मैश कर लिया है। ये हैं तीन से चार आलू। कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल डाल दिया है। तेल गर्म होने पर इसमें मैंने जीरा, हींग, ये हींग है, जीरा है, जीरे को तड़कने देते हैं। अभी मैंने जो पेस्ट बनाकर रखा था, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और टमाटर का, इसे भी डाल देते हैं और इसे थोड़ा पकाते हैं ताकि इसका थोड़ा कच्चापन दूर हो जाए। उसके बाद हम कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। देखिए पेस्ट हमारा थोड़ा थोड़ा पकने लगा है। अब इसमें मैंने लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा किचन किंग मसाला डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। इसे तेल छोड़ने तक पका लें। देखिए मसाले ने अच्छे से तेल छोड़ दिया है। अब जो आलू थे उन्हें मैश कर लेते हैं और चने हमने मैश पहले ही मैशर से मैश कर रखे थे। मसाला पकने के बाद इसमें डाल देंगे। देखिए मसाला पककर तैयार है। इसे मैंने चने डाल दिए, इसके बाद आलू डाल दिया है और इन्हें अच्छे से मिला लिया है। अब इसमें आप पानी डाल लें, जितने आप वो पानी की क्वांटिटी रखना चाहते हैं, कम या ज़्यादा, और इसे ढककर पका लें 5 से 7 मिनट के लिए ताकि मसाला हमारा अच्छे से पक जाए। इसमें थोड़ा नमक डाल दिया है स्वाद के अनुसार और इसे मिक्स कर दिया है। देखिए आलू चलने का सब्जी हमारी बनकर तैयार है। इसमें मैंने फ्रेश हरा धनिया डाल दिया है। तो आपको भी अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे घर पर जरूर ट्राई करें। चावल, रोटी, चपाती, किसी के साथ भी आप इस सब्जी को खा सकते हैं। देखिए कितनी बढ़िया और मज़े की रेसिपी बनकर तैयार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।